गौरी बेटा जी। बेटा ये वो सामान की लिस्ट है जो रुद्र ने शादी के लिए ऑर्डर की। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं खुद ही सारे सामान का इंतजाम करवा दूंगी। बस अगले 2-3 घंटे में सारी चीजें घर पर पहुंच जाएंगी। गौरी बेटा तू एक पत्नी होकर अपने पति की शादी की तैयारियां कर रही। दादाजी मैं तो बस वही कर रही हूँ जो रुद्र चाहता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सब रुद्र की शादी की तैयारियां कर। अब तो वक्त भी नहीं बचा कि हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढे। तो क्या सच में ये शादी होने देना चाहती? बोलना बेटा, नहीं ना? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना तो हमें कुछ चिंताएं उन पर सौंप देनी चाहिए। दादा जी मुझे शिव जी पर पूरा भरोसा है, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वो मुझे निराश नहीं करेंगे। होती है शायद कुछ पत्नियां इस दुनिया में, तो अपने पति के खुशी के खातिर उन्हें दूसरी शादी करने देती हैं। दादा जी अगर रुद्र को खोकर ही मैं उन्हें खुश देख सकती हूँ तो उन्हें खोना भी मुझे मंजूर है। गौरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने इसको ठीक कर दिया। ये मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बात अभी तक याद क्यों नहीं आ रही थी। आप लोग पिछले कई दिनों से पूछ रहे थे ना कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। भाभी आप भी ये कह रही थी ना, लेकिन इस ग्लोब को देख के मुझे लग रहा है कि ऐसी कई सारी चीजें जो मुझे याद नहीं आ रही, जिन्हें मैं भुला चुका हूं। क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो सारी बातें मुझे याद आ जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे पता चल जाएगा कि मैं जान जाऊंगा कि गौरी और मेरे बीच में ऐसा कौन सा रिश्ता है जो मैं इसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। बोलो गौरी, कुछ तो है ना हमारे बीच में। पिहू तुम बताओ मुझे, तुम जानती हो ना? गौरी कुछ कह रही ना? बताओ गौरी किस बंधन की बात कर रही है? बोलो। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि विश्वास और प्यार के बीच में हमेशा प्यार की जीत होती है। कुछ नहीं, कुछ बात नहीं है। अगर कुछ खास होता तो मैं खुद को याद आ जाता, और अगर इतना इम्पोर्टेंट होता तो हम लोग बता देते ना। विश्वास करो, तुम्हारे और गौरी के बीच में कोई नाता नहीं। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही हूँ? तुम्हारे पापा तो तुम्हारी मम्मी के पास आना चाहते हैं, लेकिन ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया नहीं चाहती कि हम दोनों एक हो जाएं। तो दिल भी ये कहने लगा है कि शायद तुम्हारे पापा की याददाश्त वापस नहीं आ पाएगी। बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं लग रहा कि कल की शादी को रोक पाऊंगी। मैंने पूरी कोशिश करके देख ली, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। शायद इसीलिए कहते हैं कि पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है। जिसने भी तुमसे कहा है बिल्कुल सही कहा है। पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है, सबसे खास, एक आवत जो सदियों से चलती आ रही है। जरूरी नहीं कि आज के वक्त भी हर इंसान पे ठीक बैठे। माना कि पीहू मेरा पहला प्यार है, लेकिन उस प्यार के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं बची। जिस दिन पीहू और मेरी शादी होगी, वो दिन हम दोनों के लिए बहुत बड़ा होगा, लेकिन न जाने क्यों सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। फीका सा, एकदम खाली। क्यों ऐसा हो रहा है गौरी? क्यों? कुछ ऐसा है जो मेरी जिंदगी में, मुझे पता नहीं वो क्या है जो शादी के दिन मुझसे मेरी खुशियां छीनना चाहता है। कल मेरी शादी होने वाली है गौरी, और मेरा दिल उसके लिए तैयार नहीं है। क्यों? बोलो क्यों? रुद्र, कुछ सवालों का जवाब ना तो हमारे पास है और ना ही होगा, इसलिए मेरी मानो तो उस घड़ी का इंतजार करो जो इस बेचैनी की आखिरी घड़ी होगी, और देखते जाओ जीवन की ये बहती धारा किस ओर ले जाती है। क्योंकि रुद्र, आने वाला हर पल कई अनजान बातों से भरा हुआ है। बिल्कुल सही कहा तुमने। कल कुछ खास होने वाला है, कुछ तो होने वाला है कल। मेरा आने वाला कल, मेरा आने वाला कल मुझे परेशान कर रहा है। ऐसा लगता है मुझसे वो कुछ कहना चाहता है और मैं सुनना भी चाहता हूं। ये मजबूत दीवार नहीं चाहती मैं कुछ। और मैं किसी भी हालत में पीहू को दुखी नहीं देखता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 1000 दुल्हनें देखी है, लेकिन मुंह लटकाए हुए तेरे जैसी एक भी नहीं। तेरे इस चांद से चेहरे पर मुस्कुराहट तो ला। अरे कल तेरी शादी है और तू मुंह लटकाए बैठी है, क्या बात है मुझे बता? सब कुछ ठीक हो गया है? अरे राजरानी भी मान गई है तेरे और रुद्र के इस रिश्ते को। बड़ी माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ। पागल हो गई क्या? ये दिमाग से कचरा हटा दे। पीहू, ये कोई टाइम नहीं है वहम पालने का। नहीं मासी, ये वहम बेवजह नहीं है। जानती हूँ कि वो मेरे से शादी करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जानती हूँ कि वो शादी से खुश नहीं है। तुझे गलतफहमी हो रही है। रुद्र बहुत खुश है। तुझे बेकार ही अपने आप पे अफसोस हो रहा है। रही बात रुद्र की, तो सारे लड़के शादी से पहले सहम जाते हैं। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। तू देखती जा, शादी के बाद रुद्र का चेहरा कैसे खिला खिला नजर आएगा। पीहू, किस्मत ने तुझे एक और मौका दिया है अकेलापन दूर करने का। रुद्र तुझे मिल रहा है, उसे नाजों से संभाल। जिंदगी ऐसा मौका बार बार नहीं देती। शायद अब ठीक कह रही है। मुझे पता है मैंने कब गलत कहा है। चला इधर 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 देख, तो कल क्या पहनना है देख। ये है और ये है, कितना अच्छा है ना? और इसमें से देखना कौन सा क्या कब पहनेगी, बराबर देख लेना। तेरे चॉइस के सब। कैसी है गौरी? देख तो, तेरे लिए मेरे पास वक्त ही नहीं बचा, और वो भी ऐसे वक्त में जब तू मुझे अपना पहला पोता देने वाली है। नहीं नहीं माँ जी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझे अंदर से बहुत चाहती हैं। मैं अब भी उतनी ही मतलबी हूँ। आज भी मेरे पास कुछ लेकर नहीं आई, बल्कि एक और एहसान मांगने आई हूं तुझसे। गौरी, छोड़ दे मेरे रुद्र को, छोड़ दे गौरी। अब ये तो साफ हो गया है, रुद्र की याददाश्त वापस नहीं आने वाली। उसे कुछ भी तो याद नहीं आ रहा है। आज भी वो पिछली 3 साल पहले की जिंदगी जी रहा है, वो भी पहले की तरह नहीं। एक अनजाने खिंचाव का भार अपने मन पे लिए घूमता है, और वो भार तुम हो गौरी। हाँ, तुम हो। मेरे रुद्र को छोड़ दे, भगवान के लिए मेरे रुद्र को छोड़ दे, उसे मुक्ति दे दे, आजादी दे दे, जी लेने दे उसे अपनी जिंदगी जैसे वो चाहता है। माजी जी, आप ये सब क्या कह रही है, क्यों कह रही, क्यों चाहती है आप ये सब? अच्छा, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बताया, मैं बात भी नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ, पर तेरा इस छत के नीचे रहना ही काफी है। पता नहीं तेरे मन की अनकही बातें उस तक कैसे पहुँच जाती है कि वो उसे समझने के लिए तेरे आगे पीछे घूमता रहता है। तेरी आंखें बहुत कुछ कहती है, पढ़ने के लिए वो बेचैन रहता है, पीछा चलाता है तेरे पास वो। एक्चुअली इनको देख के मुझे लगा कि मैंने इनको पहले कहीं देखा है। मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं तुम्हारी शादी में मौजूद था गौरी। तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। कब मेरी शादी होने वाली है गौरी, और मेरा दिल उसके लिए तैयार नहीं है। हाँ, जब रुद्र मेरी भावनाओं को, मेरी आहों को पढ़ लेता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ जी, मैं क्या करूं? मैं अपने जज्बातों पर कैसे काबू पाऊं? बताइए आप, मैं क्या करूं? जानती हूँ, अपने जज्बातों पे काबू पाना नामुमकिन है, अपनी भावनाओं को छुपाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें अपनी भावनाओं का गला घोटना ही होगा गौरी, ताकि रुद्र उसे महसूस न कर सके और वो खुश रहे। वो खुश तभी रह पाएगा जब तुम्हारी पहुंच से दूर रहेगा। अगर तुम्हारी परछाई भी उसके पास से गुजरेगी तो वो तुम्हें महसूस कर लेगा। ये गौरी, रुद्र की जिंदगी के लिए तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर जाना ही होगा। देखो, अब तो एक माँ बनने वाली है, इसलिए एक माँ का दर्द अच्छी तरह समझ पाएगी। तुझे उस दर्द का वास्ता छोड़ दे मेरे रुद्र को, रिहा कर दे उसे अपनी सांसों से, हो जाने दे उसे पीहू का। मानती हूँ कि रुद्र पे पहला और आखिरी हक तेरा है, लेकिन हालात को देखते हुए तुझे उसे छोड़ना ही होगा। सोच रही होगी कितनी पत्थर दिल हूं मैं, एक पत्नी को उसके पति से ही नहीं, एक बच्चे के सर से उसके बाप का सहारा भी छीन रही हूं मैं। तो क्या करूं, मजबूर हूं मैं। मुझ में तेरे जितनी हिम्मत नहीं है गौरी। पता नहीं ये सब कैसे करेगी। तुझे करना होगा, मैं तुझसे अपने बेटे की भीख मांगती हूँ, तेरी झोली में मेरा बेटा दे दे। छोड़ दे मेरे रुद्र को, हो जाने दे उसे पीहू का, छोड़ दे उसे। मैं वादा करती हूँ कि तू मेरी बेटी बनकर रहेगी, तू मेरी बेटी बनकर बच्चे को जन्म देगी, लेकिन बहू बनकर नहीं। मैं माजी। अजीब उलझन है। एक तरफ रुद्र मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है और दूसरी तरफ उसी की खुशी के लिए सबको मेरा उससे दूर चले जाना ठीक लगता है। क्या एक आज की पत्नी होने के नाते मुझे अपने पति को मुक्ति दे देनी चाहिए ताकि वो पीहू के साथ हमेशा के लिए खुश रह सके। मैं रुद्र के लिए क्या फैसला करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।